पानीपत ग्रामीण विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार महिपाल ढांडा लगातार ग्रामीण विधानसभा के गांवों और कॉलोनियों में लोगों से अपना जनसंपर्क अभियान के तहत मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। पानीपत ग्रामीण विधानसभा में लगातार लोगों का आशीर्वाद भी उनको मिल रहा है। लोगों का यहां तक कहना है कि तीसरी बार महिपाल ढांडा को जिताकर चंडीगढ़ पहुंचाएंगे। उनकी टक्कर में कोई भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने ग्रामीण विधानसभा में सभी क्षेत्रों में भरपूर काम करवाए हैं। लोगों की राय शुमारी जब हमने ली तो सभी लोगों ने एक ही स्वर में ये कहा है कि इस बार महिपाल ढांडा। लगातार ग्रामीण विधानसभा में लोगों का हुजूम ये बता रहा है कि लगातार महिपाल ढांडा अपने प्रतिद्वंदियों से अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। उनके मुकाबले में कोई कैंडिडेट दिखाई नहीं दे रहा। यही वजह है कि वह जिस भी जनसभा को संबोधित करते हैं तो सबसे पहले यही जिक्र करते हैं कि मेरा चुनाव पानीपत ग्रामीण हल्के की जनता लड़ रही है, वो मेरा परिवार है। दिन प्रतिदिन उनका ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, जो विपक्ष की नींद उड़ाने के लिए काफी है। लगातार उनकी जनसभाओं में आम लोग, बुजुर्ग, बूढ़े, नौजवान, माताएं सभी उनकी जनसभाओं में पहुंचते हैं और बड़े ही ध्यान से उनको सुनते हैं। वहीं अगर किसी को कोई समस्या की बात भी करनी होती है तो वह महिपाल ढांडा का हाथ पकड़कर समस्या से अवगत करवाते हैं और महिपाल ढांडा बड़े विनम्र स्वभाव से उनकी बात भी सुनते हैं और उनको संतुष्ट करके ही वहां से दूसरी जनसभा के लिए रवाना होते हैं। ये कह रहा था कि पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा तीसरी बार विजयी घोषित हो। काम भी किए? हाँ, काम किए हैं बिल्कुल। कल एक एक कॉलोनी में सड़कें, पानी की व्यवस्था, सीवर, मतलब पब्लिक की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सारे काम हुए हैं महिपाल ढांडा जी के द्वारा करवाए गए हैं। बीजेपी जिंदाबाद। महिपाल ढांडा काम किए हैं? काम किए उन्होंने। ये क्या लगता है यहाँ पर अब की बार चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, कांग्रेस और बीजेपी में क्या? बीजेपी से कौन खड़ा है? बीजेपी से महिपाल ढांडा। महिपाल ढांडा ने काम किए हैं? काम किए। तीसरी बार बने? दो बार पहले बन चुके हैं। कोशिश तो और भी बहुत से कर रहे हैं, कांग्रेस हो गए, निर्दलीय हो गए, क्या कारण है जी? क्या वो इन लोगों में बढ़िया सुनाई करता है? मोदी को देंगे हम तो। मोदी को देंगे, सीट निकाल लेंगे। यहाँ से कौन कैंडिडेट खड़ा है बीजेपी? हाँ जी, काम किए उन्होंने आपके क्षेत्र में? तीसरी बार बनेगा वो। हाँ जी, बढ़िया है, एक तरफा मुकाबला। क्या माहौल चल रहा है? बढ़िया, महिपाल ढांडा का माहौल चल रहा है, जो भी है। सीट निकाल लेंगे? हाँ, एक तरफा निकलेगी सीट, एक तरफा। बहुत अच्छे काम करवा रखे हैं महिपाल ढांडा। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी? बीजेपी। बीजेपी से कौन कैंडिडेट है? महिपाल ढांडा। पानीपत ग्रामीण विधानसभा से महिपाल ढांडा भाई आएंगे, हमारा छोटा भाई है। काम किए हैं इसने, हर कॉलोनी में पक्की सड़कें, सीवरेज, पानी, सारी फैसिलिटी इन्होंने दिलाई है। क्या मुकाबला किससे मुकाबला का? एक तरफा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा आज।